नमस्कार मैं विक्रम सिंह आज उन बच्चों की समस्याएं दूर करेंगे जिनको संकरण निकालने नहीं आता है संकरण यानी कि हैबिडेशन कैलकुलेट करने में परेशानी होती है मैं छोटा सा ट्रिक लेके आ रहा हूं सुपर ट्रिक हैप ट्रिक सिंपल है बहुत सरल है पर वो कर लेंगे ना तो आपको कभी भी किसी मॉलिक्यूल में संकरण निकालने के लिए कभी डर नहीं लगेगा बड़ी आसानी से हैबिडेशन निकाल सकते हैं फिलहाल अभी जो बच्चे आए हैं ईशा प्रजापति सलोनी अनु आदिति अब मैं ये कहूंगा कि क्या आप सब सीखना चाहते हैं संकरण निकालना संकरण कैलकुलेट करना देखो बेटा हाइब्रिडेशन के लिए एक जमाना था हम लोग सोचते थे कि भाई इसमें ये संकरण होगा उसमें ये संकरण होगा उसमें ये हाइब्रिडेशन होगा हम कैलकुलेट करने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाते थे बस ये है कि पूरा का पूरा डिटेल करें और फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा तो एक ट्रिक का यूज करें काफी आसानी से आप बहुत सारे कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकेंगे यहां पर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता लगाया जाता है तो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं तो सब तैयार हैं कि नहीं बताइए जरूर चलिए कौन कौन बच्चे तैयार हैं कौन कौन बच्चे तैयार नहीं हैं वो भी बता दीजिए ताकि ये चीजें सीखने में बहुत मजा आए और आप सब बेहतर कर सकें फिलहाल मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रेशन कैलकुलेट करने के लिए जो तरीके बताऊंगा उसके लिए सारे बच्चे अभी तैयार हो जाओ और अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो ताकि वो लोग भी देख सकें इस विधि को चलिए लाइव में समझेंगे कोई परेशानी होगी तो जरूर बताइएगा किसमें आपको हाइब्रेशन निकालने नहीं आ रहा है कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है वो भी मुझे बताएंगे तो मैं उनको आपको समझाऊंगा कि इनको इस तरह से आप कैलकुलेट करें चलिए देखते हैं हम्म चलिए ठीक है हाँ जी चलिए तो सबसे पहली बात है क्या जानते हो सभी परमाणुओं में संकरण ज्ञात करने का ट्रिक ये एक बात हो गई क्या आप जानते हो परमाणुओं में अणुओं में

चीजें आती है पूरी दुनिया भर के कंपाउंड्स आते हैं इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है तो उनके लिए मैं बताऊंगा अभी चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट देखिए भाई संकरण के बेस पर किसी अणु की आणविक संरचना याद कर सकते हो मोलिकुलर स्ट्रक्चर फिलहाल संकरण क्या है उसमें जाने से पहले जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलूंगा जैसे आप लोग याद करते हो गए में संकरण होता है sp3 BeCl2 में होता है sp PCl3 में होता है sp3 PCl5 में होता है sp3d ठीक है NH3 में आप याद किए हो कि sp3 ठीक है इसी तरह से आपने H2O में बात करें तो H2O में sp3 ठीक है SO SO2 SO3 एस ओ थ्री इनमें होता है एस पी टू इसी तरह से एस एफ टू एस एफ फोर एस एफ सिक्स में इसमें होगा एस पी थ्री एस पी थ्री डी एस पी थ्री डी टू बस सवाल यह है कि भाई कैसे कैलकुलेट करोगे कैसे पता लगाओगे क्या इन सबको याद करोगे सबसे बड़ी चीज है क्या इन सबको याद करोगे अगर याद करोगे तो फंस जाओगे भाई इतनी सारी चीजों को हम याद भी रखें तो कैसे रखें सही है ना तो मैं ये कहूंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा भी प्रॉब्लम आएगा उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनको बनाने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल हम लग जाते हैं कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे है ना जैसे यहां पर है, C -L -F3 है. तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां पर मैं आपको बता दूं एस पी थ्री डी एच टू फोर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहां पर होगा एस पी थ्री ऐसे ही Cl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई यहां पर होगा sp3 तो ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बताऊंगा मैं अभी तो सब तैयार हो जाइए जल्दी से कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी उसके बाद काफी आसान होगा तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे तैयार हैं अपनी पेन और कॉपी भैया कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि कॉपी और पेन लेके नहीं बैठोगे ना मैं कितनों भी समझाऊंगा कितनों अच्छा समझाऊंगा वो सब फेल हो जाएगा क्योंकि आपको कुछ चीजों को जानना है सिंपल कुछ बातों को जानना जरूरी है मुझे लगता है कि इनमें कितने बच्चे हैं मैं पूछ लेता हूं एक बात इनमें से कितने बच्चे हैं जो पेरियोबल याद कर चुके हैं पेरियो टेबल जिनको याद है तो अगर याद नहीं है तो पेरियो टेबल ओपन कर लो अपनी सारणी ओपन कर लो सबसे पहले कोई बुक होगी उसमें से ओपन कर लो और याद है तो कोई बात नहीं मैं यहां पर आपको दिखा दूंगा चलिए संकरण क्या है परिभाषा वगैरह की बात में बात करेंगे पहले एक छोटी सी बात याद रखते हैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी होंगे जिनको हाइब्रेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं वो भी याद ना हो है ना ऐसे कई बच्चे हैं सारे बच्चों को याद है जिन बच्चों को याद है बताइए कौन कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है कोई बच्चा बता सके तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप में से कितने बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन याद है बताइए जिन बच्चों को याद है वो बताइए जिनको याद नहीं है वो भी बताइए कि भाई मुझे याद नहीं है हाइब्रिड hybrid... क्या चीज़ कौन कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है मैं अब भी चुटकी बजाते आपको हाइब्रिडाइजेशन याद करा देता हूं चलिए हाँ जी जल्दी क्योंकि लाइव क्लास है इसलिए मैं आप लोगों का रिप्लाई चाहूंगा जी हाँ जी याद है बोले सर याद है वेरी गुड बहुत बढ़िया तो जिन बच्चों को याद नहीं है वो बता सकते हैं और जिन बच्चों को याद है उनको प्रॉब्लम नहीं है वो उनको बताने की जरूरत भी नहीं है तो चलिए हाँ जी याद है सर तो कौन कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा बताओ जल्दी से हाँ जी आपको बता दें सिंपल कुछ वे में बता, बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन भैया एस पी होता है एस पी टू होता है एस पी थ्री होता है एस पी थ्री डी होगा इसी तरह से एस पी थ्री डी टू होगा एस पी थ्री डी थ्री होगा इतने हम पढ़ते हैं लेकिन ये याद कैसे रखें जरूरी है ना याद भी रखें तो इसके लिए मैं यहां पर बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों को पता है सबशेल, जिसको उपकोष कहते हैं उपकोष सारे बच्चों को पता है कौन कौन सा होता है बेटा एस पी डी एफ सबको याद है ना उपकोष या उपकक्ष कौन कौन से होते हैं एस पी डी एफ होते हैं सारे बच्चों को पता है अगर ये बात पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या पता है ऑर्बिटल यानी कि कक्षक कक्षक अब सबको पता है कि भाई एस में एक ही कक्षक होते हैं पी में तीन कक्षक होते हैं ठीक है डी में पांच कक्षक होते हैं सबको पता है बोलो और एफ में सात कक्षक होते हैं सात ऑर्बिटल होते हैं एक दो तीन चार पांच छह और ये सात सात कक्षक होते हैं नहीं याद है तो याद रखना एक तीन पांच सात दो दो बढ़ाते जाना एक तीन पांच सात दो दो प्लस करते जाना एक तीन पांच सात ये याद हो गया ये जरूरी है सारे बच्चों को याद है तो ये क्या हुआ एस एस पी एस पी डी एफ होता है एक तीन पांच सात डब्बे होते हैं इन डब्बों को कहा जाता है कक्षक और इन कक्षकों को भी एस S का एस S का कक्षक है उसको एस कहा जाएगा पी के तो सब तीन पी है डी का तीन आ, पांच डी कक्षक है F के F कक्षक है ये बोला जा सकता है ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना जरूरत है उतनी ही बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना आए आपने देखा एस कक्षक एक होते हैं पी कक्षक तीन होते हैं डी कक्षक पांच होते हैं और एफ कक्षक सात होते हैं अब समझेंगे यहां पर शेप की बात नहीं करेंगे यहां पर हाइब्रिडेशन की बात करते हैं हाइब्रिडाइशन की बात करते हैं संकरण की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कक्षकों के मिलने से नए कक्षकों का निर्माण को कहते हैं लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस मिल जाते हैं और उतनी संख्या में नए कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा आकार आकृति समान होती है मिलने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की जो तरीके होते हैं वो कैसे होगा मैं बताता हूं कौन कौन से हाइब्रेशन होगा तो संकरण के हाइब्रेशन यानी इसको बोलते हैं संकरण के प्रकार अब मेरी बात समझो देखिए यहां पर ध्यान रखना कि दो कक्षक भाग ले सकते हैं यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको ध्यान दीजिएगा या to तो दो कक्षक भाग ले सकते हैं या तीन कक्षक भाग लेंगे या चार कक्षक भाग लेंगे तो ये देखिएगा अगर दो कक्षक भाग लेते हैं ये दो कक्षक भाग लेते हैं तो एक हुआ एस और एक हुआ पी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी कितने भाग लिए तो दो भाग लिए तो ठीक है अगर तीन कक्षक भाग लेते हैं तो क्या होगा देखो तो एक दो तीन ये देखो यहां से यहां तक भाग लिए तीन कक्षक भाग लेते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी टू एक एस दो पी, एक एस दो पी भाग ले रहा है बता रहा है ये SP square नहीं बोलेंगे आप, SP2 बोलेंगे आप फिर होता है कि अब कितने भाग लेंगे एक दो यानी मिलना कक्षकों का मिलना एक में दो मिला एक तो अकेला मिल नहीं सकता ना कम से कम दो मिलेगा तो आपने देखा दो हुआ तो एसपी तीन हुआ तो एक दो तीन कक्षक भाग लिए तो एसपी टू चार कक्षक मिलेंगे एक दो तीन चार तो कौन कौन से मिले बताओ तो जरा देखो तो चार कक्षक मिले तो क्या हुआ एक एस और तीन पी तो एस पी थ्री हो गया अब कितने कक्षक मिल सकते हैं पांच तो पांच कहां से होगा देखो तो पांच कहां से होगा पांच एक दो तीन चार पांच ये पांच तक तो ये क्या हुआ एस पी थ्री डीहेबेशन हुआ इसी तरह से कितने भाग ले सकते हैं छह कक्षक भाग ले सकते हैं ये यहां तक का तो क्या हुआ देखो एक एस तीन पी तो और दो डी भाग ले रहे हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ एस पी थ्री डी टू इसी तरह से सात कक्षक भाग ले रहे हैं मान लेते हैं सात कक्षक भाग ले रहे हैं सेवन कक्षक भाग ले रहे हैं तो एस पी थ्री डी थ्री ये हाइब्रिडाइजेशन तक हम समझ जाएंगे यहां तक हमको समझना है क्योंकि आप यौगिक पढ़ेंगे यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर डी एस पी टू और डी टू एस पी थ्री है तो वहां पर मत जाइए अभी वहां अलग बात हो जाती है क्योंकि थोड़े साइंस में कुछ चीजें और आने लगती शुरुआत पकड़ में आएगा तब तो बेटा एडवांस पढ़ोगे आप डायरेक्ट एडवांस में चढ़ जाओगे तो ना ना शुरुआत पता है ना एडवांस सीख पाओगे तो याद रखना जहां तक आप जानते हो वो उसके आगे पढ़ने का होता है यानी कि वहां से शुरुआत करने का होता है नहीं पता या कन्फ्यूज हो तो फिर फिर से शून्य से स्टार्ट करो कभी कोई चीज़ शून्य अगर हम नहीं जानते हैं भूल रहे हैं या हमारी समझ में कमजोरी है तो हमेशा जीरो से स्टार्ट करो क्योंकि जीरो स्टार्ट करोगे ना तभी आप हायर पकड़ पाओगे तो मैं आपको जीरो से स्टार्ट करके बता रहा हूं तो आपको पता चला दो तीन चार पाँच छः सात कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चला दो कक्षक भाग लेंगे तो एस पी तीन कक्षक भाग लेंगे एस पी टू चार कक्षक भाग लेंगे तो एस पी थ्री पांच कक्षक भाग लेंगे तो एस पी थ्री डी देखो पांच ही कक्षक है दो मतलब एक एस एक पी है तीन है मतलब एक एस और दो पी है पी में कितने कक्षक होते तीन अपने आप याद हो जाएगा अगर मैं छह बोल रहा हूं तो क्या मतलब हुआ मैं छह कक्षकों के जुगाड़ करूंगा कहां से एस से लेकर के डी एस से लेकर के डी तक तो छह से होगा देखो तो एस में एक डब्बे होते हैं तो एस हो गया एक यूज हो गया पी में तीन ही डब्बे होते हैं तो चार हो गया पी थ्री अब चार ही हो गया छह करना है तो उसके बाद एस के बाद पी आता है पी का तीनों यूज हो गया और डी में से सिर्फ दो ले लेंगे तो कितना हुआ एस पी थ्री डी टू इस तरह से हम कर सकते हैं और कितने कक्षक भाग ले सकते हैं भाई सात कक्षक तक हम पढ़ेंगे भाई तो सात कक्षक तक क्या हुआ एस पी थ्री डी थ्री तो ये हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं भूलोगे कि कौन कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है कितने कक्षक के मिलने से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है ये कभी नहीं भूलोगे तो मुझे लगता है कितने बच्चों को याद हो गया जो नए बच्चे हैं और जो पुराने बच्चे जिनको याद है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो उनको ट्रिक बताना है मुझे कि वो हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे कैसे फाइंड करेंगे वो ट्रिक क्या है उसके बारे में बात करूंगा जस्ट थोड़ी देर में बात करने वाला हूं तो अब कितने बच्चों को याद हो गया जल्दी से बताएंगे हां जी बोलिए हाँ जी, हाँ जी बताइए कितने बच्चों को याद हो गया जी, चलिए सौरभ शुक्ला पढ़ाई पे ध्यान दो हाँ जी सिमरन कुमार सिमरन कुमारी रुपेश, हाँ जी हो गया सबको याद हो गया यस सर जिनको याद हो जाए भाई इधर उधर बात करने पढ़ाई में मत आओ क्योंकि याद रखो कि इस साल जैसे एग्जाम का प्रॉब्लम जा रहा है ना कि होगा नहीं होगा ये लटका हुआ है इस साल अगर एग्जाम हो जाएगा जिन बच्चों ने तैयारी नहीं किए वो वो फंस जाएंगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया एमसीक्यूज में पूछा गया इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है अब यही यार एक क्वेश्चन भी अगर बना लिए तो कम से कम वन से थ्री मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है यही समझेंगे आप चलिए ये हो गया अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा संकरण ज्ञात करने का ट्रिक अपनी कॉपी में लिखिए चलिए ये एक फॉर्मुला दिखा रहा हूं इस फॉर्मूले को लिखिए अपनी कॉपी में संकरण लिखो अपनी कॉपी में संकरण बराबर एक फॉर्मूला लिख लो बस शुद्ध हिंदी में आप लिखिए केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु का समूह यानी आवर्त सारणी में समूह क्या होगा सिंपल तरीके से बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा केंद्रीय परमाणु का समूह थोड़ी देर में पूछूंगा आपको प्लस हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या ये कितने हैं हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है देखो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट कितने हैं और सातवें ग्रुप के एलिमेंट कितने हैं बस इतना ही काउंट करना है आपको तो हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या कितने पता लगाना संख्या फिर है माइनस आवेश बाई टू है ना देखें केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या माइनस आवेश बाई टू यह है फॉर्मूला आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ज इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ सेंट्रल एटम नोट कर लो कॉपी में अभी काम आएगा प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मैंने ऐसा क्यों लिखा इसके जगह लिख सकता था यूनिवैलेंसी एलिमेंट्स यानी कि एक संयोजित तत्व तो लिख सकता था मैं ऐसा क्यों नहीं लिखा क्योंकि आप एक तत्व तत्व एक तक तक तो कौन कौन से ढूंढने लगोगे उससे अच्छा है कि मैंने सामने लिख दिया हाइड्रोजन फ्लोरिन क्लोरिन आयोडीन यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स माइनस चार्ज उसमें चार्ज कितना है बाई टू आप ऐसा लिख सकते हो तो अपनी कॉपी में नोट कर लिए सबने क्योंकि ये ट्रिक है जबरदस्त ट्रिक है इस ट्रिक को करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे संकरण कैसे कैलकुलेट कर क्योंकि बहुत फास्ट कैलकुलेट होगा अब ये हो गया इसके बाद आप सबको मैंने कहा है कि आवड़ सारणी कितने बच्चों को याद है पेरियोडिक टेबल कितने बच्चों को याद है क्योंकि पेरियो टेबल आप में से जितने बच्चों को याद होगा वो बच्चा बड़ी आसानी से सीख पाएगा इस चीज को तो देखें टेबल आप में से कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चे इसको कर सकते हैं देखें चलिए हाँ जी हो गया तो अवर्ड सारणी कितने बच्चों को याद है देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है मयंक प्रभु रूबीपाल अंशु अंजलि रॉयल ठीक है इतने बच्चों को याद है तो चलते हैं अब पेरियो टेबल की तरफ एक बार देख लेते हैं इनका यूज करेंगे क्योंकि यहां पर समूह लिखा हुआ ग्रुप लिखा हुआ है ये ग्रुप नंबर कहां से आएगा सेंट्रल एटम किसको कहेंगे ये सब बातों पे हम बात करते हैं सबसे पहली बात है कि हम सेंट्रल एटम किसको कहेंगे सेंट्रल एटम पहचानना है सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु पहचानना है चलो सारे बच्चे बताना केंद्रीय परमाणु कौन सा है सी एच फोर में केंद्रीय परमाणु किसको बोलेंगे देखिए केंद्रीय परमाणु मतलब जो परमाणु कम है एकदम सिंपल सी बात बताता हूं यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है तो कार्बन और हाइड्रोजन में सेंट्रल परमाणु कौन सा होगा सेंट्रल एटम कौन सा होगा चलिए बताइए जल्दी बताइए तो कौन सा होगा जो परमाणु कम है यहां पर कार्बन कम है कार्बन एक है तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन होगा कार्बन है ऐसे कुछ एग्जाम्पल पूछते जा रहा हूं दूसरा है एसओ में कौन है सेंट्रल एटम बिल्कुल क्लियर यह है तीसरी बात एच टू एस फोर में सेंट्रल एटम कौन सा है तो बोलेंगे कौन है हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन चार है तो सल्फर है अब दूसरी बात है पीओ सी एल थ्री में किसको मानोगे सेंट्रल एटम तो याद रखना यहां पर फास्फोरस है एक ऑक्सीजन है एक क्लोरीन है तीन तो ये तो नहीं होगा क्लियर हो गया अब इन दोनों में कौन सा होगा तो दोनों में ये चेक करना जो बड़ा परमाणु होगा वो सेंट्रल एटम होता है नॉर्मली बड़ा परमाणु जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है या जो पहले आएगा तो यहां पर होगा ये फास्फोरस सेंट्रल एटम होगा तो इस सेंट्रल एटम आप कैलकुलेट बता सकते हो पहचान सकते हो सिंपल बहुत सारे तरीके हैं भाई जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती वो सेंट्रल एटम है तो यहां पर इलेक्ट्रो जो इन बच्चों को समझ में नहीं आता वो कैसे करेंगे भाई तो हम कहते हैं कि सरल तरीकों का उपयोग करो विद्युत ऋणात्मकता जिसकी कम है अब जिन बच्चों के दिमाग में ही नहीं है कि विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं उनको कैसे समझाऊंगा तो उसके लिए मैं फिर विद्युत ऋणात्मकता की तरफ जाना पड़ेगा मुझे तो उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है सीरियसता बताऊंगा जो कम है सीधी सी बात है और जो बड़ा है जो कम है जो कम है अब इसमें काम नहीं चला तो जो बड़ा है जो बड़ा परमाणु अब बड़ा कैसे पता चला बड़ा कैसे पता चला फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और ये एटॉमिक मास 31। ऑक्सीजन आठ सोलह चाहे परमाणु भार परमाणु भार को चेक कर लो चाहे परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक को चेक कर लो परमाणु भार परमाणु भार चेक कर रहे हो तो तो भाई फास्फोरस बड़ा नजर आ गया सीधी सी बात है तो ऐसे पता लगाया जाता है काफी आसान हो जाएगा इस तरह से पता लगाना ठीक है तो इसी तरह से आप पता लगाते जाइए और बात बनते जाएगा आपका ठीक है तो चलते हैं आगे चलें तो कुछ बातें हुए जो कम है जो बड़ा है ठीक है जो कम है जो बड़ा है वही सेंट्रल एटम है और कुछ नहीं तो सबने पता लगा लिए सेंट्रल एटम पता लगा लिए सबने ओके हां जी बताइए सेंट्रल एटम पता चल गया अमन कुमार कह रहे हैं कि भाई सर क्लास इलेवन ऑनलाइन कब होगा तो भाई अमन कुमार चालू आप बात कर लीजिए फोन करके वो बता देंगे आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए साहब हो गया तो सबको पता चल गया इलेवंथ क्लास चालू हो गया है चालू हो गया है, ये इलेवंथ में भी है ट्वेल्थ में भी है सारे में है इलेवंथ ट्वेल्थ ट के एग्जामिनेशन आई आई टी जेई के एग्जामिनेशन सब में मिलेगा ये तो इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है तो चलिए हो गया तो सेंट्रल एटम पहचान सकोगे हाँ जी और तो और कुछ नहीं एग्जाम्पल देने की जरूरत है मुझे इतने में क्लियर हो गया अब बात ये हो रहा है कि सी एल एफ थ्री में कौन होगा तो सी एल होगा सीधी सी बात है तो बहुत आसान हो गया सेंट्रल एटम पहचानना फिर बात करते हैं ये वाला फॉर्मूला आपको आपने नोट कर लिया कि नहीं कॉपी में देख लीजिए आप इनको आपने नोट कर लिया हो तो बढ़िया है अच्छा है आपको बात समझ में आने लगेगी चलिए साहब सबने नोट कर लिए बेटा जी प्रिंस मौर्य ध्यान नहीं है परी पे ध्यान है आपका है ना किसी का परी पे ध्यान है किसी का प्रिया पे ध्यान है किसी का अंजलि पे ध्यान है क्या बात है भाई यही पढ़ाई है क्या एग्जाम पे कोई डर नहीं है एग्जाम का ना टेबल कितने बच्चों को याद है बस इतना ही बता दो मुझे बताइए कितने बच्चों को पेरियटेबल याद है ये बस बता दो क्योंकि आगे जाकर के पढ़ाने में मजा आएगा क्योंकि पेरियोटेबल याद होगा तभी काम होगा अच्छा अब बात बता दूं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके करने के लिए को, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को छोड़ करके हमें करना है तो क्या होगा यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स इतने पे काम करना है हमको तो चलिए यहां इन दोनों को मैंने निकाल करके एक साथ रख दिए हैं वो ये है इसमें ग्रुप नंबर हम ओल्ड सिस्टम से जो ग्रुप नंबर करते हैं वो लिखेंगे तो ओल्ड सिस्टम में क्या करते हैं इस ग्रुप को कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप इसको कहेंगे सेकंड ए ग्रुप और ये थर्टीन ग्रुप को क्या कहते हैं आपको पता है ना रोमन नंबर में थर्ड ए ग्रुप तो ये थर्ड ए ग्रुप है ये फोर्थ ए ग्रुप है ये फिफ्थ ए ग्रुप है ये सिक्स ए ग्रुप है और ये सेवन ए ग्रुप है और ये एट ए ग्रुप बोल सकते हो जीरो ग्रुप भी कह सकते हो तो ये है तो ग्रुप नंबर की जरूरत है अब फॉर्मूला जो आपने याद किया था वो मुझे एक बार बता दो यार चलिए जल्दी फॉर्मूला याद है ना सबको मुझे बता दो बस फॉर्मूला क्या है हाँ जी जल्दी करेंगे फॉर्मूला बता दो भाई फॉर्मूला याद हो गया है ना हाँ जी चलो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं सबको याद करा दू वापस फॉर्मूला है संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु का समूह ग्रुप फिर है प्लस हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या माइनस आवेश बस बाई टू अब मैं कुछ एग्जाम्पल देते जाऊंगा आप सब कैलकुलेट करते जाना ठीक है चलो सबसे पहले कह दे रहा हूं मैं आपको CH4 में संकरण ज्ञात करना है चलिए भाई अब बताओ इसमें इस फॉर्मूले में, में वैल्यू पुट करने के लिए क्या जरूरी है संकरण बराबर संकरण बराबर अब वैल्यू पुट कर दो केंद्रीय परमाणु का समूह इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है बेटा CH4 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है बताएंगे आप लोग सारे बच्चे तुरंत तुरंत जवाब देते जाइएगा ठीक है बताइए बादल जी आपको कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है एग्जाम होगा कि नहीं होगा आप अपनी चिंता करो भाई आप अपनी चिंता करो ठीक है हाँ जी बताओ क्या होगा सेंट्रल एटम क्या होगा यहां बता दो तो मैं मान जाऊंगा बादल जी क्या है सेंट्रल आइटम ये बताओ यार पढ़ाई करने आए हो हाँ जी तो क्या है सी सी है तो C किस ग्रुप में है देखो तो C C C सेंट्रल एटम है ग्रुप सेंट्रल एटम का केंद्रीय परमाणु का समूह समूह कार्बन ये है और कार्बन है चौथे ए ग्रुप में मैं लिख देता हूं ऐसे ही फोर्थ ए ग्रुप फिर है यहां पर एक साइन है ये है प्लस फिर क्या लिखा है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या इसमें कोई है हाइड्रोजन है फ्लोरिन देखो केंद्रीय परमाणु को छोड़ने के बाद सोचेंगे ना फिर जो बचा हुआ परमाणुओं में क्या हाइड्रोजन है यस yes है फिर बोला उसकी संख्या कितनी है कितने हैं फोर है मैंने लिख दिया फोर फिर लिखेंगे माइनस माइनस के बाद चार्ज इस पर कोई आवेश है जैसे एसओ फोर में माइनस टू लगा तो यहां पर चार्ज माइनस टू है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है एन एच फोर प्लस में कितना है प्लस एक प्लस है तो यहां पर कुछ नहीं है यानी यहां पर है चार्ज जीरो बाई टू फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए बाई टू अब क्या आया टोटल नंबर कितना आया चेक करो नंबर क्या आया? तो संकरण बराबर आपको मिला फोर प्लस फोर माइनस जीरो मतलब हुआ एट बाई 4. जब फोर आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा चार कक्षक भाग लिए एस पी डी एस में एक डब्बा पी में तीन डब्बा डी में पांच डब्बा बोलो कितने भाग लिए चार एक दो तीन चार चार ही भाग लिए एक एस और तीन पी भाग लिया मतलब पर हुआ अब समझा रहा हूं एक आध एग्जाम्पल दूंगा उस एग्जाम्पल को बना बना के मुझे बताते जाइएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी टू नहीं होगा बेटा सुयश एसपी थ्री होगा चलिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको आप इसको बताइएगा इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा सेकंड एग्जाम्पल एन थ्री में कौन सा एग्जाम हाइब्रिडाइजेशन होगा? होगा चलो कैलकुलेट करो में संकरण फिर वही काम करो जो ये फॉर्मूला बोलेगा वो बोलते जाओ संकरण बराबर क्या बोल रहा है ये संकरण बराबर बोलो क्या बता रहा है क्या कह रहा है बोलो केंद्रीय परमाणु केंद्रीय परमाणु कौन सा है नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु का समूह नाइट्रोजन किस ग्रुप का है नाइट्रोजन देखो ए ग्रुप, का ग्रुप कारण है कि परमाणु के अंतिम कोष में कितना इस, पर, इस भी परमाणु कोष में पांच यानी हम यहां पर लिख सकते केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख सकते थे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा कठिन हो जाता सो so, आसान बनाना हमारा काम था तो यहां पर कौन सा हुआ केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है नाइट्रोजन किस वर्ग है पांचवा प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है पांच सॉरी तीन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है तीन तो हमने लिखा थ्री बाई टू ये माइनस जीरो बाई टू तो कितना हुआ ये हो गया एट बाई टू सॉरी एट बाई टू बेटा एट बाई टू तो कितना हुआ फोर फोर यानी एसपी थ्री हैबिडाइशन एस पी थ्री ओके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से तो चलिए बताते जाइएगा मैं यहां पर कुछ कुछ लिखते जा रहा हूं ठीक है वो मैंने आपको पेरिटेबल लिख के दे दिए हैं इसलिए आसान हो जाएगा तो ये हटाऊंगा नहीं ताकि आप उसे देख सकें अब बताओ इसका PCL5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं चलिए बताइए सारे बच्चे बताते जाओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है कैलकुलेट करो जल्दी से कुछ एग्जाम्पल देते जाऊंगा बताते जाऊंगा हाँ जी इसमें कौन सा केंद्रीय परमाणु कौन सा ये पी तो संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु का समूह केंद्रीय परमाणु पी पी कहां पे है देखो ये है पांचवे ए ग्रुप में फिफ्थ ए ग्रुप में प्लस हाइड्रोजन नहीं है फ्लोरीन नहीं है क्लोरीन, है क्लोरीन है क्लोरीन की संख्या क्लोरीन है पांच मैंने पांच लिखा माइनस चार्ज जीरो बाई टू तो कितना हो गया पांच पांच दस बटा दो टेन बाई टू यानी कि फाइव फाइव यानी एस पी थ्री डी हाइड्राइजेशन बन रहा है ना सबका अभी बताते जा रहा हूं अब बताओ इसका बताओ चलो मैं लिख देता हूं सी एल एफ फाइव में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा चलो बताओ मैं संकरण इसमें बताओ जल्दी से जब तक तो ऊपर वाला डिलीट कर देता हूं चलो कोशिश करो फॉर्मूला ऊपर लिखा है कोई टेंशन नहीं है कोई तकलीफ नहीं है आसानी से कर लोगे। कौन सा संकरण होगा इसमें संकरण बराबर होगा क्लोरीन केंद्रीय परमाणु है सातवें ए ग्रुप का है सेवन ए ग्रुप प्लस फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन कितना है नहीं है फ्लोरीन है पांच माइनस जीरो है बाय टू तो सेवन प्लस फाइव कितना हुआ बारह बटा दो यानी कि छ क्यों संकरण हुआ एस पी थ्री डी टू संकरण बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है और इसका बताओ एन एच फोर प्लस पे कौन सा हेबेशन होगा चलिए बताते जाइएगा मैं सब कैलकुलेट करके यहां पर आप अपने से कैलकुलेट करके रखिए मैं यहां पर बताते जा रहा हूं आपको बहुत आसान है भाई बहुत आसान है बस करने आना चाहिए आपको और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि संकरण आप आराम से निकाल सके किसी भी चीज में ठीक है चलो क्या होगा केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन फिफ्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है प्लस हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन चार है हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन चार है माइनस चार्ज कितना है आवेश कितना है प्लस वन तो मैंने लिखा प्लस वन बाई टू यानी कि यह हुआ पांच चार नौ ये माइनस प्लस माइनस हुआ माइनस वन बाई टू यानी कि एट बाई टू यानी कि फोर एस पी थ्री हाजी एस पी थ्री काफी बच्चों ने बता दी एस पी थ्री है हा इलेवंथ का है भाई इलेवंथ का चैप्टर नंबर फोर में जाके पढ़ोगे लेकिन आपको बहुत यूज होगा अगर आप नहीं सीख पाए इलेवंथ में तो ट्वेल्थ में तकलीफ होगी इलेवंथ में तकलीफ होगी सीखना है इसलिए तो ट्रिक बता रहे हैं इसका बताओ आप एसओ फोर माइनस टू में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा कैलकुलेट करो जब तक ऊपर वाला मिटाता हूं मैं तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो हाँ जी इसमें कौन सा होगा में संकरण इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है केंद्रीय परमाणु सल्फर है सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है देखो यहां पर सल्फर ये लिखा हुआ है सल्फर है सिक्स ए ग्रुप का तो छठवां ए ग्रुप का एलिमेंट है प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोनी आयोडीन यहां पे क्या लिखूंगा बोलो क्या होगा इसमें जल्दी से बोले हां जी संकरण इसमें कौन सा होगा बेटा बोलो हाँ जी बोलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबके जो टीचर्स हैं मैं आपको लाकर के डेमो दिखा दिया हूं, वो आपको बता दें किन किन टीचरों को सेलेक्ट किया गया है अभी रमन सर को सेलेक्ट किया गया है फिजिक्स में आप ध्यान रखिए बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं और उनको अब आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं देखिएगा आज की क्लास देख लीजिएगा प्राइम क्लासेस में बहुत बढ़िया हम आपको बता दें बेटा मेरे पे अगर भरोसा है मैं अच्छा कर रहा हूं तो बिल्कुल आप जरूर जाके देखिए आप उस चैनल में ठीक है आपको बता दू चलिए आगे बात करते हैं यहां पर हो गया अब बताओ यहां पर कितना लिखना है नंबर फोर कहां से फोर भाई हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है नहीं है मतलब क्या होता है जीरो है भाई कुछ नहीं है माइनस चार्ज चार्ज कितना है माइनस टू है माइनस टू बाई फॉर्मूले में है टू टू कितना हुआ सिक्स ये माइनस माइनस प्लस हो गया टू बाई टू यानी कि एट बाई टू यानी कि फोर एस पी थ्री है कैसे देखते हो सोचो कैसे देख रहे हो आपको मैंने साफ बोला है कि हाइड्रोजन की संख्या फ्लोरीन की संख्या ब्रोमीन की संख्या ने हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या संख्या बोला इसके अलावा किसी और परमाणुओं की संख्या आपको कैलकुलेट नहीं करना है बस ध्यान रखना ठीक है तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन ये निकल गया तो ये आपने हाइब्रिडाइजेशन पता लगा लिया इसमें भी चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि एच टू एसओ फोर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा चलो इसमें संकरण पता लगाओ चलो ये तो पता चल गया जिन लोगों जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो पाउस करके लिख लिया करेंगे कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही चलोगे तभी सीखोगे है ना वीडियो के साथ चलो आप अपने अपने स्पीड के साथ चलो वीडियो के स्पीड नहीं हाँ जी इसमें संकरण क्या होगा बोलो केंद्रीय परमाणु कौन सा है भाई बताओ केंद्रीय परमाणु कौन सा है बेटा बताओ जल्दी से केंद्रीय परमाणु है सल्फर तो सल्फर सल्फर तो यहां पर है सल्फर ये केंद्रीय परमाणु सल्फर तो सल्फर का समूह सल्फर है सिक्स ए ग्रुप में प्लस हाइड्रोजन फ्लोरिन क्रोमिन है हाइड्रोजन है दो है तो मैंने टू लिखा माइनस कोई चार्ज नहीं है जीरो बाई टू कितना हुआ एट बाई टू यानी कि फोर यानी इसमें एस पी थ्री हाइड्रेशन अब मैं यहां पर लिख रहा हूं एस एफ टू सी एल टू में संकरण चलो बताओ इसमें क्या होगा हाँ जी अब बताइए इसमें कैसे करोगे इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा हुआ तो इसी तरह से संक्रमण आप निकाल सकते हो काफी आ, काफी आ, क्या कंपाउंड में से आप निकाल सकते हो तो चलिए बोलिए जल्दी से जल्दी से लाइक कर दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है लाइक करना बहुत जरूरी होता है पावर बढ़ाना है एनर्जी बढ़ाना है हमारा तो जितने बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है बिल्कुल लाइक करें और दूसरी बात है इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और हां हमारे यहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जिन बच्चों को अटेंड करना है हमारे यहाँ ऐप के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे ट्यूशन के साथ हमारे उन स्टूडेंट के साथ जो पहले बहुत फायदे उठा चुके हैं उसी के साथ होना उसी के समान होना चाहते हैं तो हमारे ऐप विक्रम आप, केमिस्ट्री, जो है केमिस्ट्री जब हमारा ऐप है वी उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और नीचे देखिए यहां पर नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सुबह दस बजे से शाम को पांच बजे के बीच आप सुबह दस बजे से करते हैं कई बार आपको कॉल नहीं लगता कई बार नहीं उठाया जाता तो आप परेशान हो जाते हैं शाम को बजे के बाद करते हैं आपके फोन नहीं उठते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं तो यह परेशान होने की जरूरत नहीं मैं बार बार बोल रहा हूं यह नंबर उसी टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है सुबह दस बजे से लेकर के शाम को पांच बजे तक बहुत अच्छा एक्टिव रहता है बहुत सारे एडमिशन डेली ज्वाइन हो रहा है हमारे साथ हो जाइए मैं आपको अच्छे टीचर्स जो हैं उनको सबको मिलाने वाला हूं और वो सारे टीचर्स आपको प्राइम हैप क्लासेस में मिल रहे हैं आप जाके देखिए जिन टीचरों को आप बिल्कुल ऊपर से देख करके आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार वो इतने खास नहीं है लेकिन याद रखना जब उसको लाइन से जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यूट्यूब जगत में बहुत बेस्ट टीचर आपको मैंने दिए हैं के बहुत ढूंढा भाई बहुत ढूंढा दो साल लगे मुझे ढूंढते ढूंढते और इन दो सालों में बहुत अच्छे टीचर्स दे दिए मैंने आपको तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए यहां पर ध्यान दें क्या होगा एस केंद्रीय परमाणु है केंद्रीय परमाणु का समूह संख्या ये होगा सिक्स ए प्लस अब बोला गया हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या तो हाइड्रोजन तो नहीं है फ्लोरीन दो है क्लोरीन दो है सबकी संख्या हाइड्रोजन की संख्या भी बताएंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन हाइड्रोन सबकी बताएंगे तो कितना है चार दो फ्लोरीन दो क्लोरीन चार माइनस चार है शून्य बाई टू अब समझ में आ गया छह चार दस दस बटा दो यानी कि पांच और पांच मतलब एस पी थ्री डी कितने बच्चों को क्लियर हो गया भाई बताओ यस yes, क्लियर है हाँ जी तो ऐसे ये नीट के एग्जाम में आई आई टी जेई के एग्जाम में इलेवंथ के एग्जाम में ट्वेल्थ के एग्जाम में आते हैं आपको मैंने ट्रिक बता दिया आप हाइब्रिडाइजेशन हैब, कैलकुलेट कर सकते हो जो भी मॉलिक्यूल दिखे उसमें हाइब्रिडाइजेशन पता लगाओ जो भी अणु दिखे उसमें हाइब्रेशन पता लगाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हाइब्रेशन के लिए एक अलग क्लास लूंगा अभी मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाइब्रेशन निकालने का तरीका सारे बच्चों को क्लियर हो गया अब आप कैलकुलेट कर सकते हो अब आप निकाल सकते हो तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को हैप्पी है क्या खुश हैं आप क्या आपको अच्छा लगा यदि अच्छा लगा तो यस बोलिए नहीं लगा तो कोशिश करिए इस वीडियो को देख करके कि आप ऐसे ही कुछ काम कर सकें बहुत आसान होगा बेटा बहुत आसान तो ये जबरदस्त ट्रिक है कि नहीं बताइए ठीक है किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग जब कॉलेज जाते थे ना हम लोग जब स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे तो हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका नहीं पता था हमें तो हमने सीखा अपना ट्रिक बनाया और उस ट्रिक के बेस पर किसी भी मॉलिक्यूल में आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो एक एग्जाम्पल और देता हूं उसको बना के देखिएगा ये बताइए आई थ्री माइनस में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा चलिए बताइए ये एग्जाम में आया हुआ है नीट के एग्जाम में आया हुआ है आई के एग्जाम में आया हुआ है बताइए कितने बच्चे बता सकते हैं इसको इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा चलो बताओ जल्दी से बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है या. बड़े बड़े एग्जाम में बहुत आसान देखिए इसमें तीन आयोडीन है तीन आयोडीन है उसमें से एक आयोडीन को आप मान लेना सेंट्रल और दो आयोडीन को उसका साइड का एलिमेंट यानी सदस्य यानी मेंबर एलिमेंट मान लेंगे फिर इसमें माइनस चार्ज लगा देंगे तो ये आई आई टू माइनस ऐसे मान लेंगे तो सेंट्रल एटम कौन है आयोडीन तो आयोडीन की संख्या आयोडिन किस ग्रुप का है तो ग्रुप है सातवां ए देख लो आप सातवां ए फ्लोरीन वहां पे लिखा हुआ है उसकी संख्या सातवां ए ग्रुप का है प्लस अब हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या तो आयोडीन इस ये तो सेंट्रल आइटम हो गया तो ये एक है इसको नहीं गिनेंगे अब ये आयोडीन दो है तो हमने टू लिखा फिर चार्ज है माइनस वन बाई टू कितना हुआ सात दो नौ और नौ एक दस प्लस वन बाई टू यानी कि टेन बाई टू यानी हो गया फाइव एस पी थ्री डी हाइब्राइशन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा आप अब एग्जाम पेपर देखेंगे कभी खोल के देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे बड़े एग्जामिनेशन के तो ये आपको जरूर मिलेंगे ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी एस पी थ्री डी है इसमें चलिए इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं Cl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसे करोगे चलो इसको बताओ ये भी बहुत आसान है देखो कैसे करोगे तो क्या करोगे मैंने बोला एक परमाणु को सेंट्रल मानो और दूसरे परमाणु को सदस्य परमाणु मानो तो ये सेंट्रल एटम हो गया तो ये है सेवन ए ग्रुप का एलिमेंट फिर है प्लस क्लोरीन एक माइनस शून्य बाई टू यानी कि आठ आठ बटा दो एस पी थ्री आसान है भाई बहुत आसान है हाइब्रिडाइजेशन है, कैलकुलेट करना ठीक है तो इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की जा सकती है तो जो भी है जो ऐसा भी मॉलिक्यूल आएगा आप कोशिश करो CO2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा कोई बताएगा आप में से बोलो प्रैक्टिस कराने में क्या यार बहुत सारे प्रैक्टिस इसके सीखने के बाद प्रैक्टिस बहुत कर लो जितनी मर्जी उतनी प्रैक्टिस करो क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के एग्जाम में बेहतर कर पाओगे ऐसा नहीं कि मैंने ट्रिक सीखा मुझे फॉर्मूला याद है भाग गया एग्जाम में पता चला वो क्वेश्चन आया क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया तो पहले प्रैक्टिस फिर बाद में दूसरी चीज है ठीक है एग्जाम के पेपर बनाइए चलिए इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जी CO2 में कौन सा हाइबाइशन दिख रहा है आपको सीओ टू में कौन सा हाइबाइशन दिख रहा है सीओ टू में सीओ टू केंद्रीय परमाणु कार्बन केंद्रीय परमाणु कार्बन 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 है फोर ग्रुप का एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन फ्लोरिन क्लोरिन आयोडियन नहीं है बिल्कुल जीरो है माइनस ये भी जीरो है बाई टू कितना हुआ चार बटा दो यानी कि दो एस पी हाइब्राइशन भाई वेरी गुड बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिए हैं तो भाई अब बताओ प्रैक्टिस करोगे बोलो अब प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करना जरूरी है तभी जाके सीख पाओगे तो आपकी क्लास जो है इलेवेंथ वाले बच्चे ट्वेल्थ वाले बच्चे और जो नीट एक्सपेरियंट है या आईआईटी आई है वो सारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी था ये चीज जानना एक ट्रिक क्योंकि काफी जरूरत पड़ती भाई ट्रिक नहीं आ रहा है ट्रिक नहीं आ रहा मैंने ट्रिक देने की कोशिश की काफी ट्रिक है भाई केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ट्रिक है अगर ट्रिक के साथ ही पढ़ना है तो ट्रिक पढ़िए समझ और थ्योरी डीप नॉलेज सारी चीज़ें पढ़ना है तो आप हमारे चैनल में जाइए आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं कैसे हमारे चैनल की वीडियोस देख सकते हैं उनको करिए भाई अभी इंटरेस्ट जगाना होगा आपको पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो आप बहुत ज़्यादा फेलियर हो सकते हैं नए बच्चे जो ट्वेंटी ट्वेंटी में एग्जाम दिलाने वाले हैं ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एग्जाम दिलाने वाले उन बच्चों को बड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि अब देख रहे हैं कि हमारे जो पहले पढ़ने पढ़े हैं जो बच्चे वो लोग पढ़ाए एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है तो वो लोग कैसे करेंगे हम लोगों का भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे अगर ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है कि ये एक साल की बर्बादी से आप आने वाले साल को ख़राब कर दें तो साल बर्बाद नहीं हो रहा है बेटा आपको तो घर में बैठ के पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको सीखने का मौका मिल रहा है आपको अच्छे टीचर्स आपके घर में आपके मोबाइल में आकर के पढ़ा रहे हैं तो उनके साथ रहिए अब इधर उधर भटकिए मत ये चैटिंग वैटिंग में मत जाइए कि हेलो प्रिया हेलो अंजलि हेलो नीमा हेलो अंकिता ये सब जो चक्कर है ना वो छोड़ो लड़कियां भी छोड़ो इस चीज को है ना एक दूसरे से इस तरह की बातें करते हो टाइम बर्बाद करते हो मैंने देखा है कि बहुत बच्चे चैटिंग करते रहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम्स तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आते रहेंगे अब आप में से कितने बच्चे हैं जो बताएं एक क्वेश्चन आता है एक पॉइंट आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा मैं एक बार बताता हूं बीच बीच में मैं कुछ अपलोड वीडियोस भी डालता हूं कुछ प्रीमियर भी डालता हूं कुछ अच्छे वीडियोस मैं बना के रखा हूं, उसको डालता हूं उनको कितने बच्चे देखते हैं और जो बच्चे देखते हैं वो सक्सेस है भाई आगे की पढ़ाई में बताइए कितने बच्चे देखते हैं हाँ जी बताइए कौन कौन है योगेंद्र कृष्णा रूपेश अंकिता यस हाँ तो आप सब पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को उनको बोला कि एक बार करके देखो यार मजा आ जाएगा सचमुच में मजा आ जाएगा सीखने में ये बोलना मैंने एकदम डीप से मैं तो कहां से सिखाया आपको बताओ एकदम बेसिक से सिखाया वो उन चीजों से सिखाया जिनकी अगर मान लेते हैं आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों बता रहे हैं यार ये पेरिटेबल क्यों बता रहे हैं यार सर क्यों बोल रहे हैं यार ये मतलब संकरण कितने टाइप का होता है नहीं वो आपको पता होगा तभी तो कर पाएंगे ना तो आपको पता चल गया है संकरण होता है दो कक्षक मिलते हैं तो एसपी तीन मिलते हैं तो एसपी टू एस पी एस पी टू एसपी थ्री एसपी थ्री डी एस पी थ्री डी टू और एसपी थ्री डी थ्री हाइब्राइशन इस संकरण के साथ साथ इनके अणुओं की संरचनाओं को भी सीखा जाता है समझ रहे हो जैसे मैं एग्जाम्पल पे बताता हूं आपको यहां पर करके दिखाता हूं थोड़ा सा नहीं सीखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है जैसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो संरचना होती है ऐसे रेखी होता है लीनियर 180 सौ अंश का कोण होता है अब मैं आपको बताना चाहूंगा बीई सी एल टू में अगर आप देखो तो इसमें हाइब्राइशन sp2 टू आएगा केंद्रीय परमाणु है तो इसकी संरचना में देखो तो यहां पर बीच में आएगा Be और दोनों डायरेक्शन में सराउंडिंग एटम्स कौन होगा क्लोरीन? अब देखो इसमें एंगल कितना हुआ वन एटी का डिग्री का हुआ तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसा हो गया लीनियर हो गया रेखी संरचना हो गया रेखी संरचना हो गया ऐसे ही अगर कोई संकरण हुआ एसपी टू हुआ तो उसकी संरचना क्या होती है केंद्रीय परमाणु ये हो गया और ये त्रिकोणी संरचना में आ जाता है यानी एक तीन डंडे आ जाएंगे और तीन डंडों को अगर मिलाओगे तो क्या मिलेगा देखो तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया तो ये क्या हुआ इसको कहेंगे त्रिकोणीय संरचना त्रिकोणीय संरचना कहेंगे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर ये कह सकते हैं अब इसमें केंद्रीय परमाणु पर यहां पर जो एंगल है वो कितना है वो एंगल है 120 डिग्री का तो ये सेंट्रल एटम यहां पे आएगा अब मैं बोलू यहां पर बी एफ थ्री की बात करता हूं तो बी एफ थ्री में एस पी टू हाइड्राइशन होता है तो इसकी संरचना क्या होगी तो जितने चीजों में बी एस पी टू हाइब्राइशन होगा उसकी संरचना ऐसी होगी क्या होगा जरा देखें तो ये सेंट्रल एटम है बी एक दो तीन तो ये हो गया बोरॉन यहां पर फ्लोरीन आया फ्लोरीन आया फ्लोरीन आया इस तरह से इसकी संरचना क्या हुई देखो यहां पर 120 अंश का कोण है तो फ्लोरीन बोरॉन के बीच में हर जगह पर 120 अंश का कोण है और इसकी संरचना क्या होगी? ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर हो गया त्रिकोणी संरचना हुई तो मेरी बात समझो संकरण पता होगा तो संरचना बताना आसान होगा तो इसके लिए डीप नॉलेज में जाना है तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से सीखना है संकरण को बहुत गहराई में सीखना है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से करना है इसके वीडियो मैंने डाल दिए हैं तो क्लास इलेवेंथ में चैप्टर नंबर फोर पढ़ो केमिकल बॉन्डिंग सुपर हो जाओगे भाई साहब सुपर हो जाओगे आप लोग केमिस्ट्री में सुपर हो जाओगे केमिकल बॉन्डिंग में अगर सुपर हो गए तो केमिस्ट्री में सुपर हो जाओगे आप तो सुपर से ऊपर होने का तरीका यही है कि आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में इलेवंथ का चैप्टर वन टू थ्री फोर बहुत जरूरी है चैप्टर नंबर एट बहुत जरूरी इलेवंथ का चैप्टर नंबर ट्वेल्व बहुत जरूरी है इलेवंथ का जो बच्चे इलेवंथ छोड़ करके डायरेक्ट ट्वेल्थ पढ़ते हैं भैया वो तो पूरी बोलते हैं ना पैर ही काट डाले अपने ऐसा मत करिए नहीं तो तकलीफ हो जाएगा ना केमिस्ट्री सीख पाओगे ना फिजिक्स ना मैथ्स ना बायोलॉजी सीखने का जगह है सिर्फ इलेवन और सीखने के लिए इसलिए मौका दिए जाते हैं इसलिए होम एग्जाम होता है बच्चा अगर सीखते सीख, सीखते सीखते एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाया तो कुछ नहीं कुछ तो सीखा लेकिन ट्वेल्थ में वही जो सीखी हुई चीजें वो यूज होता है ये ध्यान रखिएगा फिलहाल आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं नमस्कार धन्यवाद और जिन बच्चों को मेरे पेड कोर्स के साथ आना है इस नंबर पर कॉल करिए आपको एडमिशन मिल जाएगी कल तो चलिए कल करेंगे सुबह दस बजे से शाम को पांच बजे के बीच एडमिशन जरूर लो बेटा पढ़ाई समय वापस नहीं आएगा याद रखना समय वापस नहीं आएगा पैसा तो आ जाएगा वो पैसा कहां जाएगा समझ रहे हैं ना तो आज की क्लास यहां पे समाप्त करते हैं नमस्कार धन्यवाद थैंक यू आदि पानी होगी